बिहू तैयार, डैडी तैयार, पापा जी तैयार, सब लोग तैयार। मम्मी कहाँ गई? मम्मी है अंदर। मम्मी भी तैयार, सब लोग तैयार। चलिए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब लोग मुझे जा चुके हैं, मैं भी यहाँ से निकल रही हूँ। चलो, इतना सारा सामान है मेरे हाथ में। कहाँ गए पापा जी? वो एड वॉक कर रहे हैं। वॉक। चलो, कर रहा था तुम्हारे आने पर। जी जी जी। किसी को भी उल्टी आती है रास्ते में, उल्टी आती हो तो ये मुद्रा है, अपान मुद्रा। उंगली के बीच की दोनों मिडल फिंगर जो हैं, इन दोनों को मिला करके अंगूठे को लगा देते हैं इसे। अच्छा जी। और इससे उल्टी नहीं आएगी आपको कभी भी। अच्छा। इतनी देर से लगा के रखे है गहरे सांस लें और पैर की उंगली को चलाए। अच्छा, ये टिप्स है, इसे कभी भी प्रयोग करो। हाँ हाँ। यात्रा में कभी उल्टी ही नहीं आएगी आपको। अच्छा जी। अच्छा, ये इंस्टेंट रिजल्ट इन योगा, रोग में तत्काल प्रभाव पे, हमने रिसर्च किया है। अरे वाह, मैं भी करती हूँ आज ऐसे। सो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है, हम लोग निकल गए हैं कहीं जाने के लिए, कहीं घूमने के लिए। सो बस निकले हैं, कहाँ जा रहे हैं अब तो अब आपको रास्ता देख करके समझ में आ ही गया होगा। जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं लोनावाला। तो सुबह निकले थे हम लोग 7:30 बजे के आसपास, और ये देखिए फर्स्ट टनल जो है वो आ गई है। और पीयू भी बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है, हम सब लोग भी बहुत खुश हैं, सब लोग साथ में जा रहे हैं। मम्मी पापा साथ में हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे तो अकेले जाते ही रहते हैं जब कभी गए इधर उधर घूमने, लेकिन साथ में जब वो फैमिली होती है तो उसकी बात ही अलग होती है। तो बस निकले हैं, चलिए आज आपको भी अपने साथ लेकर के चलते हैं लोनावला और इन्जॉय करते हैं। गाना बन हुआ ना टनल, सिग्नल नहीं करते। खुल गई, लाइट आ गई है ना। ये देखो भाई, बाहर आ गए हम। वही तो, हम लोग पहुंच चुके हैं खंडाला। खंडाला अब कुछ देर में आ जाएगा लोनावाला। और क्या बोलना चाहते हैं आप पापा जी? खंडाला भी एक प्रकृति की स्थल है, लोनावाला है, और ये सब बहुत सुंदर जगह है ना। जी, बारिश के टाइम आएंगे तो और सुंदर लगेगा। बारिश के लिए तो हमें छाछ छाछ बाजी हो रही है, छाछ बाजी कौन है चम्मच जरूरत ही नहीं मिलाने की। क्या ऊपर से डाला ना तो मुझे भी सुना मिलेगा। डैडी आप तो लेंगे। अरे दूसरा वाला फाउंटेन्स चल रहे हैं। ये है रेलवे स्टेशन और पूरी मार्केट है यहाँ पे। सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ उतरे थे, एक अच्छा सा पॉइंट दिख गया था फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं हम लोगों ने, और अब बस यहाँ से आगे चलते हैं। पीहू गाड़ी में ही बैठी हुई है। कहाँ जा रहे हैं आप? हम्म,
तो गाइज़ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ न्यूड प्रीमियम कैरेट सीड रिपेयर क्रीम एंटी एजिंग का रिव्यू। अगर आपकी जो एज है वो 40 प्लस हो रही है या 35 प्लस हो रही है तो आपकी स्किन के लिए एक एंटी एजिंग क्रीम आपको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ये बहुत अच्छा क्रीम है, सो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको यूज़ करके आप रेडियंट दिख सकते हैं, यूथफुल दिख सकते हैं 50s में भी। ये क्रीम 100% प्योर कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट से मिलकर बनी है, नेचुरली एनरिच्ड विद विटामिन ए एंड कैरोटेनॉइड्स, जो कि आपके रिंकल, फाइन लाइंस, एज, स्पॉट्स और पिगमेंटेशन ड्राइनेस को प्रिवेंट करती है। साथ ही साथ आपके पीएच बैलेंस को भी मेंटेन रखती है। इस प्रोडक्ट में सल्फेट और पैराबेन नहीं है, ये ऑल स्किन टाइप है एंड इसको यूनिसेक्स यानी कि गर्ल एंड बॉय कोई भी यूज़ कर सकता है। पैकेजिंग जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि न्यूड की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसका टेक्सचर की बात करूं अगर मैं तो देखिए, मैंने आपको ग्लास जार की बॉटल ओपन करके दिखाया है, बहुत ही क्रीमी एंड जेल बेस ये प्रोडक्ट है। जब आप अपनी स्किन पर इसको अप्लाई करते हैं ये एकदम से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है। तो आप इस में भी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ विंटर्स में ही अपनी स्किन में हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, गर्मियों में भी यानी कि समर्स में भी आपकी स्किन को हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसमें एक मैनुअल दिया हुआ है जो कि आप इसको पढ़ सकते हैं, इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो ये 800 रुपीज़ का है। आप लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर चेकआउट करिएगा। मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, सो आप इसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड इसकी सारी डिटेल्स मैंने आपको बता ही दी है। अगर फिर से एक बार बताती हूँ, अगर आपकी स्किन में एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स हैं या फिर पिगमेंटेशन है तो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़ हम लोग पहुँच चुके हैं लोनावला और सबसे पहले हम लोग आ गए थे यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए क्योंकि भूख लग रही थी और 10:30 बजे के आसपास हम लोग पहुँच गए थे। तो 2-2.5 घंटे लगता है आने में, पहुँचने में, और यहाँ पहले हम सब लोग ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद आगे निकलेंगे। सो कहाँ कहाँ जाते हैं पूरा व्लॉग देखिएगा, आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने लोनावाला में क्या क्या किया और कैसे कैसे किया। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे धूप है, गर्मी है। तो मतलब हम लोग आए थे एंजॉय करने के लिए बट इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा धूप है ना कि बिल्कुल भी उतरा नहीं जा रहा था गाड़ी से, कार से। इस समय लोनावाला जाने का टाइम तो मेरे को नहीं लगता है। जब बारिश होगी तब आप आराम से जाएँ, वहाँ इंजॉय करें, वहाँ का साइट सीन देखें, बट इस टाइम पर बिना बारिश के जाना तो हम लोगों को वेस्ट ही लगा। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं घूमा जो कि साइट सीन देखने वाली चीज़ें होती हैं। सो हम लोग आ गए हैं, तो अभी हम लोग आ गए हैं वैक्स म्यूजियम जाने के लिए। चलो पीहू चलो, वैक्स म्यूजियम जाएंगे अभी, उसी से पूछ लेते। हाँ ये वेंटिलेशन है ना यहाँ पे। कितने का टिकट है? 200। 200 रुपीस पर हेड। मम्मी पापा जा रहे हैं वो देखने के लिए? हम नहीं। तो मम्मी पापा जा रहे हैं वैक्स म्यूजियम देखने अंदर, हम लोग देख चुके हैं पहले, तो हम जाएंगे 90 मूवी देखने के लिए। 90 इसको नहीं, नहीं है, ये यहाँ से वो आपको वहाँ पे दिखाना होगा, कितनी देर तक बताएगा वो देखिए। पीयू हाथ पकड़ लेना मम्मी का, ठीक है? बाय। अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति, नेल्सन मंडेला। हाँ, इन्हें जेल में रहना पड़ा बहुत अधिक, 18 साल तक जेल में रहे और फिर वहाँ साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। और ये हैं
कार्टूनिस्ट शंकर, शक्तिमान पीहू, आप शक्तिमान के पास खड़े हो, ऐसे करके देखो शक्तिमान के पास, थोड़ा निकट आओ शक्तिमान, और निकट आओ, यस ठीक है। ये भारतवर्ष की ही नहीं तो संसार की सबसे छोटी महिला ज्योति आमगे, केवल 63 सेंटीमीटर। ये हैं कनोद करुणाकरण, वल्लभई नितेशन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेतृत्व करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और भारत के सबसे अधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो मम्मी पापा और पीहू चले गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं 9D वाला शो जो है उसको देखते हैं कहाँ पर है। पंद्रह मिनट ही क्या है, क्या बोल रहे हैं, हाथ लगा के चलने को? हाँ, क्यों, मुझे तो पता चल रहा है सामने शीशा है। अच्छा, इसमें क्या है, मतलब ठीक तो है, ये सामने शीशा मिरर दिया हुआ है, पता चल रहा है मुझे, और उधर सामने भी मिरर है, ये मिरर है, लेकिन हाँ मिरर होना ऐसा लगता है लंबा एरिया ऐसा है ना, ये इतना सा मिरर एरिया 50 रुपीज का है, ये क्या है, ये नहीं अंदर है, थोड़ा थोड़ा स्पेस है, पर पता चल रहा है हम लोगों को कहाँ पे मिरर है कहाँ पे नहीं है। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे आके खत्म हो गया। Oh my God, कितना हॉरर शो है, स्पेस एकदम हॉरर वाला आ रहा है, देखो। तो ये है मिरर हाउस जो कि लोनावला में है, और इसका 50 रुपीज आपको चार्ज देना होता है, और आपको ऐसा लगेगा कि आप मतलब पूरा मिरर 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 है, बट मुझे तो समझ में आ रहा है, मतलब आइडिया मुझे आ रहा है। ये देखिए इधर, किधर किधर है मिरर, हर तरफ आपको मिरर ही दिखेगा, आपकी इमेज दिखाई देगी। तो अभी ये 9D शो है यहाँ पे, अंधेरा कायम रहे, कोई नहीं है, ओके, मतलब हम दोनों यहाँ पे सेकंड रो में बैठना है, ओके, सेकंड में बैठेंगे हम लोग, बीचों बीच ना सेंटर पे, चश्मा मिलेगा, ओके, तो अपने गॉगल्स हटा दीजिए और उनका चश्मा लगा लीजिए, और चलिए मूवी एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कैसा एक्सपीरियंस था 9D का। चलो, अच्छा 9D हम 7D पहले देखे हैं, 9D नहीं देखे हम, 8D नहीं है? ये साफ मिनट में एक ये 9D मूवी खत्म हो गई, छोटी सी मूवी थी बट अच्छा लग रहा था, काफी एंजॉय किया ना। ये बच्चे कहाँ चीख रहे हैं, कैसा लगा पापा जी वैक्स म्यूजियम? ठीक है, बढ़िया है, एक नई चीज तो है।
तो हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, अब हम बैठ जाते हैं इसमें। बैठ गई पीहू, बैठ गई मम्मा। तो देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा गर्मी धूप है, वहाँ पर एसी था, फ़ैन थे, तो हम लोग ऐसी जगह गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे, वरना बाहर बहुत मुश्किल हो रही थी धूप में उतर के कुछ भी करना। उसके बाद यहाँ पे एक ये शॉप पड़ गई थी, रेनबो चिक्की शॉप, जिसमें कि आपको पता होगा लोनावाला की जो चिक्की है बहुत ज़्यादा फेमस है। सो वर्मा जी यहाँ पर उतरे थे कुछ चिक्की वगैरह लेने के लिए, और तो इन्होंने यहाँ पर मतलब काफ़ी कुछ ले लिया था, और यहाँ का चिक्की बहुत फेमस है, एंड वो क्या बोलते हैं जो वॉलनट का फज होता है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे ले ली गई थी, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे के लिए निकलेंगे। तो अभी घूमने के बाद अब हो गया है लंच का टाइम, तो यहाँ पे 2:30-3 का टाइम हो रहा था, तो अब हम लोग बीच में रुके हैं लंच करने के लिए, तो चलिए चलते हैं। और हाँ, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं अपने इन लॉज़ के सामने ये कौन सा और कैसा ड्रेस पहन करके आई हूँ, तो मतलब आज मुझे इस बात का भी डर नहीं है, सास ससुर के सामने मैं आराम से घूम रही हूँ। आपका दुपट्टा कहाँ चला गया? अरे मैंने इस तरह ये मैंने खींच ली थी वहाँ पे। अच्छा, मैंने मेरे जीना मुश्किल कर दिया। ये पापा जी, ये कौन सा है? अरे ये तो ऐसे ही। तो अब बस हम लोग थोड़ी देर में अपने घर पहुंचने वाले हैं, मतलब अंधेरी पहुंचने वाले हैं, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी नर्सरी थी, तो हम लोग मैं बहुत टाइम से कुछ प्लांट्स लेना चाह रही थी, तो पापा जी आए हैं और पापा जी को बहुत नॉलेज है पेड़ पौधों के बारे में, सो मैं उनके साथ ही उतर के कुछ यहाँ पर प्लांट्स ले रही हूँ। तो दिखाती हूँ आपको मैंने कौन कौन से प्लांट्स लिए हैं, और फिर उसको घर में किस तरह से डेकोरेट वगैरह करेंगे, वो सारी बातें आपके साथ आने वाले व्लॉग्स में मैं शेयर करूँगी। तो आज का जो व्लॉग था वो छोटा सा ही था लोनावाला का। डिग्गी में नहीं आएगा पापा जी? डिग्गी में बिल्कुल तो याद नहीं था ये रखना मैंने। वो कहाँ है इसकी? वो चलिए है पीछे है, बंद करिए। और वो इसका
चलो चलो बेटू चलो पियू। तो पापा जी प्लांट लगाने जा रहे हैं, सेट करने। अच्छा अच्छा हाँ। सारे प्लांट्स को पापा जी धो रहे हैं बहुत अच्छे से। अब ये तैयार। अरे वाह, अभी फिलहाल तुम्हारे कमरे में रखता हूँ। जी जी जी, ये कितना सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर। ये पर्दा इधर करो, इस साइड प्लांट देखना, बेहद खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। हाँ, हमें इस तरह से जी 8-10 दिन में पौधों को बाथरूम में रख के अच्छे से नहलाना चाहिए। हाँ, उसे नहलाना चाहिए। इससे उसकी पत्तियों में आती है अद्भुत चमक। अच्छा। और अपने घर के अंदर जो हम ग्रीन टी पीते हैं या वैसी भी चाय पीते हैं, उसे छलनी में ऐसे करके ताकि उसके अंदर मीठा ना रहे, उसको भी हम इसमें डाल सकते हैं, तो खाद बन जाती है डायरेक्ट। ये घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। ये तो मधुमालती का पौधा है जी, ये वाला लाल डंडी वाला। इसी से कई दवाइयां बनती हैं। और ये गुड़हल है, गुड़हल की आप चाय पी सकते हैं। एक खास बात है, इसका जो फूल सूख जाए तो गुड़हल के फूल को आप रख लीजिए, और गुड़हल के फूल को रख लीजिए ऐसे गुलाब के पत्तियों पे रख लीजिए, और उन्हें 1.5 कप पानी में डाल दीजिए, तो गुड़हल और गुड़हल और गुलाब की चाय अद्भुत पेट को अच्छा करेगी, पेट साफ कर देगी। हमारे पास ये वाइट गमला था तो इसी पे हम इसको शिफ्ट कर देते हैं अभी।